अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब आदमी का भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। मालिक का हीरा नहीं टूटा है, मेरे ऊपर से विश्वास टूट गया है। पता नहीं मालिक पर क्या बीत रही होगी। मुझे तो चिंता है कि कहीं मेरी गलती की सजा मेरी संतु को ना भुगतना पड़े। अब भुगतना तो सारे गांव को पड़ेगा माधव काका। वो सैंपल समय पर नहीं गया, ऑर्डर बंद। अब कुछ समझ में नहीं आता है, हम सब लोगों के घर का खर्च कैसे चलेगा। अब तक तो लोग सुखी थे क्योंकि मालिक ने हम लोगों को काम दे रखा था, पर अब लगता है कि धर्मपुर में अकाल की स्थिति हो जाएगी। अब क्या होगा? क्या सच में मालिक किसी को काम नहीं देंगे? सब लोग भूखे मर जाएंगे सच में। इतने लोगों की हाय लेकर न जाने कोई कैसे रह पाएगा। यहाँ पूरा गांव बेरोजगार हो जाएगा और वहां मेरी बहन को जलीकट्टी सुननी पड़ेगी। चंपकली, धनी अब क्या होगा? वो हीरा टूट गया, पूरे गांव पर मुसीबत आ गई। पता नहीं मालिक अब क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे क्या, तेरे मालिक बड़े खुश होंगे, अपनी गोदी में बिठाएंगे तुझे, सुभद्रा की कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाएंगे, निवाला निवाला हैं? कपड़े देंगे, जेवर देंगे, बहुत खुश रखेंगे तुझे। तेरे बूढ़े ने तो बहुत बड़ा काम किया है ना, उसे तो बख्शीश भी वैसी ही मिलनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ हितेन, अंदर आ। ये अंदर नहीं आ सकता। जब तक ये अपना दंड भोग न ले। मैं यहाँ अपना दंड खत्म करवाने नहीं आया, बताने आया हूँ आपको कि इस बार भी किसी और को अपराधी समझने की भूल कर रहे हैं आप। माधव सोलंकी दोषी नहीं है। हीरा माधव सोलंकी से नहीं, मुझसे टूटा है। दोषी मैं हूं। हीरा चाहे किसी से भी टूटा हो, यह अपराध माधव सोलंकी ने किया है और दंड भी वही भुगतेगा। मालिक है आप धर्मपुर के, किसी और की गलती की सजा किसी और को देकर अन्याय कर रहे हैं आप। तू सिखाएगा मुझे कि न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। अगर वो हीरा तुझसे टूटा है तो अन्याय तो तूने किया है। अगर वो सैंपल सही समय पर नहीं पहुंचाने तो परिणाम पूरे धर्मपुर को भुगतना होगा तेरे अन्याय का। मुझ पर उंगली उठाता है। अरे कौन है तू? क्या किया तूने गांव वालों के लिए? केवल कठिनाई में डाला है। ठीक कहा आपने, इन गांव वालों के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। पर अब इन्हें इस मुसीबत से मैं ही बाहर निकालूंगा। 7 दिन के बाद चाहिए ना आपको वो हीरे? इन 7 दिनों में मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। बातें तो सच्चे महियावंशी की तरह करता है। अबे जा, मैंने सच्चे महियावंशी की तरह काम करके बता। अगर 7 दिन में तूने कोई हल ढूंढ लिया तो सारूच है, पर अगर वो सैंपल नहीं पहुंचाने तो मैं कारखाने को तालाबंदी से बचा नहीं पाऊंगा। तालाबंदी का मतलब समझता है तू?
काम बंद, पगार बंद, रोटी बंद, हीरा नहीं तोड़ा तूने, धर्मपुर का भविष्य तोड़ा है। ये जो अपराध तूने किया है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपराध कमाल है, कमाल है, उन गांव वालों को तो अपराध और गलती में अंतर पता है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए बाप में और एक बाप में क्या अंतर है, ये मैं समझ गया। अरे जवा दे, समझ गया क्या? समझा तू? समझा नहीं, समझेगा जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा कि आज मेरे मन पर क्या बीत रही है, कितना दुखी हूं मैं ये जानकर कि मेरे बेटे की भूल की वजह से धर्मपुर विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है। चल, खुशी हुई इस बात की कि तूने अपने भूल को स्वीकारा, अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का आभास है तुझे। अने रही बात आप और बाप के अंतर की, सांभड़, हर बाप ये चाहता है कि उसकी संतान जीवन में ऊंचा स्तर कमाए, पर अपने बाप के छांव में रहकर नहीं, दुनिया के धूप में चलकर। अबे जा, कुछ ऐसा करके दिखा कि धर्मपुर के मालिक को जिस पर खी जा रही है ना, उस पर गर्व आवे। 7 दिन है तेरे पास, तब तक कारखाना बंद रहेगा। 7 दिन के अंदर अपने भूल का सुधार नहीं कर पाया ने, ताला मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। जो जावे। मालिक, इसमें इतनी मैं का कोई दोष नहीं है। नाना जी की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे नाना जी को ये सुझाव दिया कि इतने में हीरा तराशने में उनकी मदद करे। बोल चाहे किसी की भी हो, तेरी, तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। उसे जिससे भूल हुई है, उन्हें उसे भी इससे भूल नहीं हुई, उन्हें अगर ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण ये हुआ है, वो इस घर में नहीं रह सकता। जी गई ना तू? रंगोली की तारीफ की। बोल चाहे किसी की भी हो, तेरी, तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। ले आसुपोच, शाम के समय घर के आंगन में बैठ के रोना अपशगुन होता है। लेना, जब से आई है हमारी जिंदगी में, सबकी नींद हराम करके रखती है तूने। पहले ही तेन गया, उसके बाद मौली गया। मेरा एक बेटा इसी घर में सजा काट रहा है और दूसरा तेरे घर में। ये कम था इसलिए फूल जैसे सूरज को तूने धान की कोठरी में बंद करके मारना चाह। जैसे तैसे करके बेचारा बच गया, तो तेरी काली नजर मेरी कादंबरी पे पड़ी।
उसके चरित्र पे कीचड़ उछालने चली थी तू, और ये सब कम है, इससे मन नहीं भरता, इसलिए तेरे बूढ़े नाना ने तो कर्तव्य कर दिखाया। खीरा तोड़कर उसने नानका की जिंदगी में जो मुश्किलें बढ़ाई है ना, तुझे पता नहीं है। जब से तू नानका की जिंदगी में आई है ना, हर काम गलत हो रहा है। ऐसी अपशकुनी लड़की मैंने कभी देखी ही न कभी सुनी। तेरे आने से पहले ये घर धरती पर स्वर्ग था, लेकिन जब से तू आई है, अरे मैं तो भगवान को रोज कहती हूँ, हे भगवान, ये संतुड़ी घर में आई, उसके पहले तूने मुझे क्यों नहीं स्वर्गवासी किया, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्योंकि सुबह तुझे देखूं तो पूरा दिन खराब जाता है, रात को तुझे देखती हूं तो रात भर सुबह तक नींद नहीं आती। मुझे तो लगता है वाकई कुलगुरु ने नानका के साथ तेरी कुंडली मिलाई या किसी और की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बूढ़े नाना ने नानका के हीरे चुरा कर कुलगुरु को रिश्वत दी हो? घूर घूर के क्या देख रही है, हैं? निर्लज का मतलब समझती है? निर्लज उसे कहते हैं जिसे लज्जा न हो, शर्म न हो, आंखों में हया न हो। समझ रही है ना? इससे आगे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी मुझे शर्म आ रही है। ले पहुंच, 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 ले पहुंच। अगर दोबारा आंगन में रोते हुए दिखी ना रात के समय, याद रखना तूने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं अब मेरा भाई क्या करेगा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है हितेन भाई। जो काम आपको आता नहीं उसकी जिम्मेदारी आपने क्यों ली? हम लोग रोज कमाते हैं और उसी कमाई से अपने बच्चों का पेट भरते हैं, और तुम्हारी वजह से लोगों को दिहाड़ी मिलनी बंद हो गई। बड़े लोग तो कुछ दिन पानी से गुजारा कर सकते हैं, पर बच्चे उनका क्या? फैक्ट्री पर ताला लग सकता है पर बच्चों के पेट पर नहीं। कुदरत ने आज तक इस गाँव में अकाल नहीं दिया था, पर आज इनके वजह से अकाल जैसा समय आ जाएगा। याद नहीं आ रही, बस ये सोचकर रोना आ रहा है। कभी नहीं भुला पाऊंगा कि इस गांव के उजड़ने का कारण मैं हूं। मैं तो यहां अपनी सजा काटने आया था, पर मेरे कारण पूरे गांव के सारे घरों को सजा मिल रही। सबको यही लगता है कि मैं अपराधी हूं। किसी ने ये नहीं सोचा कि सबके लिए मैंने अपने मासा को यहां से बेइज्जत करके बाहर निकाला। उस हीरे को तराशने की चुनौती मैंने ली क्योंकि मैं चाहता था कि इन गांव वालों को काम मिले। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई इस हीरे के टूटने की, पर मैं उसे सुधारना चाहता था, इसीलिए गया था मैं धर्मपुर के मालिक के पास अपनी गलती मानने। सोचकर गया था कि उन्हें समझा लूंगा और इन 6 दिनों में गांव वालों और तुम्हारे नाना जी के साथ मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। लेकिन किसके साथ मिलकर रास्ता निकालूं? सबको यही लगता है कि मैं गलत हूं। इस गांव और गांव वालों का भविष्य मैंने ही बर्बाद किया है। नाना जी कहते
मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए। तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक वो हीरा टूट गया मालिक। क्या कहा था आपने? कि सारी दुनिया पर मेरी नजर रहती है भैला, और मेरे सात कंट्रीज का ऑर्डर मुझसे छीन कर आपको मिल जाएगा। अब अपनी सोचिए सारू भाई, आपके पास से चाइना और क्या हो रहा है सब? जब देखो टीवी देखते रहते हो। जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। आपने टीवी क्यों बंद किया? टॉम जेरी को अभी मारने वाला था। कोई जरूरत नहीं टीवी देखने की, जाओ अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ सूरज भाई? मेरा टॉम जेरी को मारने वाला था कि पापा ने टीवी बंद कर दिया। उसने कैसे मारा, अब मैं कैसे देखूंगा? सूरज भाई, आपको पता है ना, मालिक का मन ठीक नहीं है। संतु, तुमको पता है? सब मुझे पता है। तरुपाई ने बोला था कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हितेन भाई को बोला था ना हीरा तराशने के लिए, और हीरा टूट गया। चलो गलती मेरी है, पर क्या तुम मेरी गलती सुधारने में मेरी मदद करोगे? हाँ करूंगा। मालिक तुम्हारे लिए चॉकलेट लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, तुम्हें अपने गोदी में बैठाकर खिलाते हैं, तब तुम कितने खुश होते हो। उन्होंने एक बार तुम्हें डांट क्या दिया, गुस्सा थोड़ी होते। सूरज भाई, मेरा एक काम करोगे? हाँ करूंगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे तू? गाना गा रहा हूँ। गाना गा रहा है? मैं सुन रहा हूँ। क्यों गा रहा है? क्योंकि आप टीवी नहीं देखने देते, तो और क्या करूंगा। तेरा सुर तो एकदम मेरे जैसा है। बेसुरा टीवी देखेगा। टॉम एंड जेरी। अच्छा देख पापा, आप बहुत अच्छे हो। संतू ठीक कहती थी, ऐसा करने से आप हंस दोगे।